दोस्तों, ये वीडियो मैं एक इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, जिसमें मैं खुद अपने पर्पस इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें मैंने काफ़ी देखे वीडियो और मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है उसके बारे में कि क्या करना चाहिए अगर हमें संतान चाहिए है, संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो उपाय। तो सबसे पहले देखिए, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं लड़का लड़की में ज़्यादा कुछ भेदभाव नहीं रखता हूँ। मेरी खुद 3 लड़कियाँ हैं, तो मैं उसे बताता हूँ। लेकिन अब मैं वैसे तो ट्राई कर रहा हूँ लड़की के लिए, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 3 लड़कियाँ हैं। वैसे एक या दो से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए हमें, इस पर जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास आज के समय में इतनी महंगाई है कि हम पढ़ा नहीं सकते। बट क्या करें, कुछ थोड़े प्रेशर होते हैं घर वालों से या जो भी, आप समझे। तो मैं आपको पहले मेरी 3 लड़कियों से मिलवा देता हूँ, आप चाहे तो देख लीजिए। बेटा इधर आओ, कम कम जल्दी। ये है मेरी लड़की जिसका नाम है रितिका, राधिका और रुदिका। इधर आओ बेटा, ठीक है। अब आप लोग स्टडी करो, गो गो। तो ये है मेरी 2 लड़कियाँ, एक छोटी वाली है वो अभी माँ के पास बैठी हुई है गोदी में। दिखाओ 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 रुद्रिका। हाँ, तो अब मैंने कुछ रिसर्च किया जो मैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सॉरी फॉर, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें कंसीव करना है या गर्भधारण है तो क्या क्या नियम करने चाहिए, और ताकि हम क्या बोलना चाहिए उस भाषा में, प्रेगनेंसी के लिए या प्रेग्नेंट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें एज पर हमारे हिंदू धर्म या जो मैंने रिसर्च पढ़ा है, मतलब यूट्यूब से ही या जो भी, तो वो मैं कंक्लूज़न बता रहा हूँ, पूरा उसका सार बता रहा हूँ कि क्या क्या मैंने देखा है, क्या क्या मैंने सीखा है अभी तक। तो वो मैं आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने देखा है कि ये सब 16 डेज इम्पोर्टेंट होते हैं, 16 दिन का पूरा प्रोसेस होता है। तो 16 दिन जो हमारे पास होते हैं, उसमें 16 से 18 दिन भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब जैसे हमारा मंथली साइकिल होता है, पीरियड साइकिल, वो 29 मतलब 28 का महीना है या 29 का या 30 का, किसी का भी। तो फर्स्ट डे से हम काउंट करते हैं 16 या 18 दिन का। तो जिसमें से 5 डेज तो हमारे होते हैं, जिसके हम मतलब जो पहले दिन से 5 डेज, 5th डेज हम लोग हेयर वॉश करते हैं। और अच्छा, हेयर वॉश से फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि गुरुवार अगर दिन पड़ता है तो उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, बट विशेष कंडीशन में अगर आपको है तो आप धो सकते हैं। तो ये हो गया। और फिर इसके बाद 6th डे से अपने पास बचते हैं 16 दिन तक, तो अपन 11 डेज रहते हैं। तो 11 डेज में हमें कंसीव का वो रहता है। तो अली 11 डेज में कैसा रहेगा ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि ये है मेरे पास एक बुक जिसमें मैंने लिखा हुआ है। कैमरा कैसे हो गया? तो ये मैंने लिखा हुआ है। तो फिलहाल मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि हम जैसे 5th के बाद 6 डे टू 16 डेज लिखते हैं। लिखने के बाद अगर सपोज करो कि उसमें से भी हमें कैसे करना है कि जो 11th डेज, तो आप ऐसे करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11वां दिन और 13वां दिन, 2 दिन हमें भर्जित है, मतलब 2 दिन हमें समागम नहीं करना है किसी भी से, 11वां और 13वां दिन। फिर बढ़ता है अपन 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 11वां और 13वां दिन नहीं करना है। फिर हमें कब करना है? 6, 7। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे जैसे बुरा मत मानना, मैं इस टाइप का समर्थक नहीं हूँ कि लड़का है लड़की के लिए, बट चूंकि मैंने बताया कि मेरे 3 लड़कियाँ हैं, मैं लड़के के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने अभी थोड़ा देखा है कि 6th, 8th, 10th, 12th और 14th डे, ये शायद पुत्र के लिए बता रहे हैं, ऐसे मैंने देखा है, मुझे नहीं पता भगवान जाने क्या है। और ये जैसे 5th, 7th, 9th और 11th तो हमें करना नहीं है, 13th भी नहीं करना है, तो फिर 15th डे, ये होते हैं शायद गर्ल्स के लिए। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं याद है जैसे। और 5th डे इसलिए कंसिडर किया क्योंकि 5th डे ही हम हेयर वॉश किया करते, मतलब बताया था कि जो हेयर वॉश करते हैं उसके लिए। अब उसमें ये पूरा रिसर्च हुआ। अब इसके बाद आता है अपने पास कि डेज हो गया, ये डेज हुआ, इसमें कौन कौन से डेज में हमें नहीं करना है कभी भी, जैसे चाहे वो सम या विषम कह सकते हैं, इवन ऑड कह सकते हैं, कुछ भी कह लो अपने हिसाब से। तो जैसे 11 एकादशी कहलाता है, ये जिस दिन पड़ रहा है उस दिन हमें नहीं करना है समागम। अमावस पड़ती है उस दिन हमें नहीं करना है। पूर्णिमा इस दिन हमें नहीं करना है। और
कोशिश ये करनी है कि अगर जैसे पंचांग पढ़ते हैं, हर महीने में हमारे पास पंचांग पढ़ते हैं, वो 5 दिन के होते हैं, और अगर वो पंचांग में जैसे करते हैं तो उस टाइम कोशिश ये करें, अगर ऐसा कुछ बीच में आता है तो आप हेयर वॉश भी ना करें पंचांग में। बट मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें, बट मैंने जैसा देखा तो मैं आपको साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, तो ये नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और चीज टिप्स, टाइमिंग बताता हूँ डे वाइज की, इस टाइप में अगर करते हैं तो सेवन के लिए टाइमिंग क्या रहता है। तो एज पर मैंने कहीं देखा था और क्रॉस चेक भी किया एक दो वीडियो से, तो उसमें टाइमिंग मुझे बताया गया है कि संडे के, जैसे संडे से सैटरडे तक का टाइमिंग देखते हैं, तो सैटरडे संडे टू 9:30 PM टू 3 AM इज बेस्ट फॉर आप क्या बोलते हैं समागम के लिए, और मंडे को 10:30 PM टू 12 AM, ट्यूसडे को 10:30 PM टू 1:30 AM, वेडनेसडे को 7:30 PM टू 10 PM और 3 AM टू 4 AM, और थर्सडे को 12 AM टू 1:30 AM, फ्राइडे को 9 PM टू 10:30 PM एंड 12 AM टू 3 AM, एंड सैटरडे को 9 PM टू 12 AM। अच्छा, ये तो पूरा नाइट का है, अभी दिन में हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, मैंने मतलब देखा नहीं तो मुझे नहीं पता। और इसमें भी मैं 100% कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि क्या है, ये तो मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इससे देखते हैं सर। और दूसरी चीज़ें मैंने क्या पढ़ा है जो भी मैं आपको बता देता हूँ, हाँ जैसे आप एक चीज़ और मैंने कहीं देखा है, ये पता नहीं शिवलिंगी की बीज या कुछ भी बता रहे थे कि बुद्ध बीजक, ये सब तो मुझे नहीं पता, तो मैं तो यूज़ नहीं करने वाला हूँ फ्रेंकली बोलूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने भगवान पे भी विश्वास करते हैं, और कुछ चीज़ें अपने अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अपन डॉक्टर के पास विजिट करने जाते हैं, तो वो सब ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए। बट फिर भी हम ओवरऑल साम दाम दंड विद हर चीज़ करते हैं, मतलब ये क्या बोल रहा हूँ मैं, साम दाम दंड विद आई मीन मतलब एटलीस्ट क्या किया जाता है अपना कुछ करने में, अगर ट्राई करने में। तो इसमें मैंने एक चीज़ देखा था कि नारियल का बीज बताया गया है, तो नारियल का बीज बोले तो जीव, मतलब जो हम नारियल लाते हैं उसको हम फोड़ते हैं नारियल को, तो नारियल में जीव निकलता है, तो उसको मैंने कहीं बहुत सारे उसमें देखा है कि आप उन्हें बोला है कि आप नारियल लाइए, नारियल को फोड़िए, और नारियल को फोड़ने के बाद उसमें जो बीज निकलता है उसको बिना तोड़े हुए बिना कटे हुए उसको, जैसे हम गोली खाते हैं कैप्सूल खाते हैं, डायरेक्ट पानी के साथ ले सकते हैं आप, या फिर हाँ पानी के साथ ले लें एज अ कैप्सूल टाइप। और बट ये जो नारियल का बीज जहाँ तक मैंने देखा है उसमें ऐसे बताया गया कि आपको जैसे प्रेगनेंसी न्यूज़ के गुड न्यूज़ मिल गया आपको कि हाँ यू आर द प्रेगनेंट, देन इन फर्स्ट 3 मंथ मतलब पहले 3 महीने में एक बार आप एक ही बार ले सकते हैं, या मुझे नहीं पता ज़्यादा 100%, बट ऐसा मैंने देखा है एक बार आपको लेना है तो आप ये भी ले सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं है, और नारियल पीना भी अच्छी बात होती है, तो नारियल पानी पीजिए। और मेन चीज़ है हेल्दी खाना खाइए, और जैसे आपको हेल्दी हेल्दी खाना खाइए, खासकर केला हुआ, आई मीन बनाना, जिसको बनाना खाइए, और अगर डार्क चॉकलेट खाइए, मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट खाइए, आई मीन शुद्ध प्योर मिल्क, और घी वगैरह खाते हैं तो घी खाइए, और थोड़ा योग कीजिए, और जिम वगैरह जाते हैं तो जिम भी कंटिन्यूसली रखिए बट ज़्यादा हाँ। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मीन्स 1 ग्राम के आसपास आप चूना भी खा सकते हैं, ताकि कैल्शियम वगैरह, क्योंकि चूना को अगर हम पानी में डाल के पिए तो बहुत अच्छा रहता है, मैं आई मीन ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में दिखाए चूना के फ़ायदे, और वो आप मशरूम भी खा सकते हैं, मशरूम अगर आपको पसंद है तो मशरूम के वीडियोस वगैरह, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको आप एक हमारे जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग उसमें लिखा है कि गर्भधान संस्कार कहलाता है, ये 16 संस्कारों में से सबसे पहला संस्कार, ये मैंने मतलब वीडियो में ही देखा है, मैं ज़्यादा पढ़ा मतलब धर्मशास्त्र वगैरह ज़्यादा मैंने पढ़े नहीं है बट मैं बिलीव करता हूँ, और ये गर्भधान संस्कार सबसे पहला संस्कार है जिसमें बताया गया है कि इस गर्भधान संस्कार हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा कोई क्या बोलना चाहिए भांजपन को दूर रखने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, लड़का हो या लड़की ये मैटर नहीं करता है ना, और बाकी तो भगवान की कृपा से सब ही होते हैं, पुरुष में देखें तो हम अच्छे अच्छे भगवान हैं हमारे पास, और जो मैं देवियां हैं, हम तो उस देश के रहने वाले हैं जहाँ पे महिलाओं को बहनों को देवी के समान माना जाता है, पूजा जाता है, तो ऐसे तो फिर ये हो गया। अभी मुझे क्या बताना था, मैं थोड़ा सा भूलने लगा हूँ। हाँ, इसको कभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो समागम में बोला करता था, या इसको अपन बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, आई मीन सॉरी टू यूजिंग दिस वर्ड सेक्स, आई मीन ऐसा बोल रहा हूँ मैं,
और या फिर समागम बोलें, और क्या बोल सकते हैं, गर्भधान के लिए फिर क्रिया बोल सकते हैं, जो भी आप अच्छा समझे वो बोले, बट इंटेंशन गलत नहीं रखना है। सबसे अच्छी चीज़ होती है, आपकी सोच सही रखना है, और आपको गंदे विचार नहीं आना चाहिए दिमाग में, और गंदा खाना नहीं, सोच फूड और ये सब अच्छी चीज़ें रखें तो बेटर रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे बोला गया है कि आप जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा आपका मन। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि कुछ चीज़ें हम अच्छा करने के लिए करते हैं तो हमारे सोच जैसे रहते हैं, क्योंकि मैंने ये सब तो हम सब जानते हैं कि जैसे महाभारत में बताया गया था कि अभिमन्यु थे, तो अभिमन्यु जो चक्रव्यूह उनको आता था, सीखे थे, वो गर्भ में ही सीखे थे, ऐसा महाभारत में दिखाया गया है, बताया गया है, मैंने जो टीवी वगैरह में देखा है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो हो माँ के पेट से हम सीख के आते हैं, तो उनमें से अच्छी चीज़ होती है जब संस्कार, संस्कार हम कह सकते हैं। तो हमारी सोच, संस्कार हमारे कहाँ से बनते हैं, हमारी सोच से बनते हैं, हमारी आदतों से बनते हैं, हमारे व्यवहार से बनते हैं। हाँ, जैसे आप, मैं एक एग्जांपल के बताता हूँ, किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आप डॉक्टर को कुछ भी कोई प्रॉब्लम बीमारी बताते हैं, तो डॉक्टर से आपसे पूछता है कि ये बीमारी आपकी हिस्ट्री पूछता है कि आपके परिवार में किसी को है क्या, जैसे डायबिटीज़ एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो डायबिटीज़ में वो पूछता है कि क्या आपके मम्मी पापा को ये डायबिटीज़ है, आपके दादा दादी नाना नानी या कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड है क्या, तो अपन बोलते हैं हाँ या ना या जो भी बोलते हैं। तो ये जब आते हैं तो ये मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा जैसे ब्लड ग्रुप वगैरह होता है, तो ब्लड ग्रुप जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, मेरे पापा का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरे फैमिली में मतलब जो छोटे मेरे भाई हैं उन सबका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। तो ये सब चीज़ें वैसे रहती हैं। अब आई एम नॉट 100% श्योर नहीं हूँ मैं, बट बता रहा हूँ कि उसमें क्या बुराई है, बताइए, अगर हम अपनी सोच सकें। और जिस तरह हम ये बोल रहे हैं कि समागम से शुरुआत किया था मैंने शब्द को बोला, तो ये भी एक यज्ञ है, एक परीक्षा है, ताकि हम इसको एज अ हवस या एन्जॉयमेंट के लिए ना करें, ये एक ताकि हम इसलिए करेंगे संतान उत्पत्ति के लिए हम कर रहे हैं, एक योग्य कर रहे हैं, जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं ताकि हम पास कर सकें, हायर उसमें जा सकें, तो ये करें। और इसके कुछ नियम बताता हूँ मैं आपको। नियम है कि जैसे सबसे पहले तो जब भी आप इस टाइप का प्लान कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के उसमें हैं, तो ये सब क्रिया तो फिर करनी पड़ेगी। अब जब करेंगे तो उसके लिए मैं नियम बताता हूँ कि आप अच्छे से नहा लें, पति पत्नी दोनों मिलकर नहा लें, भगवान की पूजा करें, जिनको भी आप मानते हैं, जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हैं, आप उनको उनका ध्यान रखें, उनसे पूछें, प्रार्थना करें कि हे संसार के समस्त जीवों में, हम लोग इस टाइप का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप जो भी आपके मन चाहे, आपको चाहिए वो लड़का लड़की या जो भी, तो वो हमें कृपया देने की, क्या बोलते हैं, आशीर्वाद दें हमें, ताकि वो हम प्राप्त कर सकें। और इस हिसाब से, और फिर मैं आपको एक नियम और मैंने पढ़ा था कि जैसे आप बेड पे जाते हैं तो बेड हमारा रूम अच्छा क्लीन हो, अच्छा बेहतरीन इन्वायरमेंट अच्छा हो, और हो सके तो अपने जिस रूम में आप सोते हैं या जो भी, वहाँ पे एक दीपक जला लें तो अच्छा रहेगा। इन्वायरमेंट के लिए भगवान से प्रार्थना करें, एक दीप जला लें, दीप घी वगैरह डाल के भगवान थोड़ा स्नान करें, और प्रार्थना करें उनसे। और फिर दूसरा कि ये बताया गया है कि जो पुरुष होता है, मेल है, तो वो राइट लेग को दाहिना पाँव आगे रख के बेड पे चढ़ें, और जो औरत है, स्त्री, लेडीज़ हैं, उनके लिए बताया गया कि लेफ्ट लेग बायां पांव से बेड में जाएं, और वहाँ पे अच्छे से गुड थिंकिंग, गुड विचार, या फिर भगवान से प्रार्थना करके हुए, फिर आपका जो भी प्रोसेस है जो है वो करें। और इस तरह से ये बताए गए हैं कि नियम, बाकी तो बहुत सारे नियम रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, सब पता नहीं, बाकी सब भगवान के ऊपर रहता है, बट ये मैंने कहीं पढ़ा था। और एक चीज़ और मैंने पढ़ा था कि कहीं शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में ये सब चीज़ें होती हैं, तो फ्रेंकली इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा विश्वास तो नहीं, 100% श्योर तो नहीं है कुछ भी, लेकिन फिलहाल जब अपन कुछ करते ही रहे तो विश्वास तो कर ही लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, और वी शुड नॉट फाइंड लॉजिक इन एज कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हम जब बच्चे होते हैं तो बच्चे हम देख देख के ही बोलना सीख जाते हैं, चलना सीख जाते हैं, वैसे सीख जाते हैं, हर चीज़ में जरूर नहीं होता है ये लॉजिक, बट अपने हिसाब से फिर देखते हैं। बट अब रही बात, फिर इस पे भी अपन ने बात किया कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को, तो इसमें भी देख लें अपने डेट के हिसाब से कि शुक्ल पक्ष या दोनों पक्ष में से एक दो दिन कम अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इन माई केस ऐसा शायद नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो नॉर्मली मैंने चेक कर रहा हूँ कि शुक्ल पक्ष हमेशा 1-2 तारीख से स्टार्ट होता है और 15th, 16th, 17th तक ही चलता है, बट मेरा केस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मेरी वाइफ का लाइक जो पीरियड है वो 20th के आसपास, 20 तारीख के आसपास ही आता है, तो कृष्ण पक्ष ही थोड़ा हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये भी हो सकता है कि
आई डोंट नो, हालांकि मेरे पास भी 3 लड़कियां हैं, बट मैं ये नहीं कह सकता। और स्टार्टिंग में मैंने जब से शायद मुझे याद है कि इसी टाइप का एक पीरियड का टाइम रहा है मेरी वाइफ का, मतलब 18 से लेके 24th के बीच में ही उसका लगभग ऐसा होता है, तो ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान के ऊपर है, अब वो अपन ट्राई करेंगे, वो भी अपन देखते हैं कि कैसा क्या है। तो सॉरी दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट आई एम सॉरी अगर कुछ गलत भाषा का यूज़ किया हो या फिर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दिया हो तो मुझे माफ़ करना। और ये जो मेरी बातें गई हैं उसमें अगर आप समर्थन नहीं करते या यू आर नॉट एग्री, तो प्लीज़ बुरा मत मान, डोंट माइंड, प्लीज़ इग्नोर, बिकॉज दिस इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ओनली। और मेरा किसी भी किसी को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है, ना ही मैं कुछ कोई एजुकेटेड हूँ, ना मैं कोई पंडित हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, जो मैंने देखा था वो खुद के लिए रिकॉर्ड कर लिया और मैं इसको आप लोगों के साथ ही शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ यू हैव लाइक ए फीलिंग काइंड ऑफ हर्टिंग, इफ आई हर्ट समवन और समबडी, जैसे जो भी बड़े, अगर मैंने किसी को पढ़ा तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। और प्लीज़ एंड थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।